अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑटो स्टूडियो। ये है होंडा अमेज 1.2 CVT VX वेरिएंट, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। 9.45 लाख इसकी एक्स शोरूम प्राइस है न्यू दिल्ली में। अगर फ्रंट से बात करी जाए, फ्रंट फेशिया से, तो आप देख सकते हैं हेलोजन इंडिकेटर मिल जाता है और आपको LED प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाएगा और ये आपको DRL मिल जाती है। मैं अभी इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ऐसी कुछ आपको LED DRL मिल जाएगी। और फॉग लैंप की बात करें तो फॉग लैंप भी जो है आपको LED में ही फिनिश मिल जाएगी। ऐसा कुछ क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएंगे। फ्रंट में पार्किंग सेंसर है नहीं और ये रिवाइज ग्रिल है। आप देख सकते हैं होंडा का बीच में लोगो है और ये आपको पूरा क्रोम एलिमेंट दिख जाएगा। और ये टो की जगह आप देख पा रहे हैं एक्सपोज थोड़ा सा है एयर इनटेक के लिए, थोड़ी सी एयर इनटेक के लिए जगह यहाँ पर भी है। और सिल्वर एलिमेंट मतलब क्रोम एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं सामने। और इंजन बे में देखते हैं क्या मिलता है। तो इंजन बे को खोलने के लिए यहाँ से लीवर है, इसको खोल के आपको दिखाते हैं। इंजन बे को खोलने ये है 1.2 लीटर का iVTEC इंजन, जो कि होंडा का सबसे फेमस इंजन है। और इसके अगर प्रोडक्शन जो इंजन स्पेसिफिकेशन है उसकी बात करी जाए तो 89 BHP का इसमें आपको पावर मिल जाती है विथ 110 Nm ऑफ टॉर्क। और माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो 18.3 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज क्लेम करती है कंपनी। तो इसको पहले बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी खुली जगह आप देख पा रहे होंगे, स्पेस खाली है काफ़ी। ये बैटरी आप देख पा रहे होंगे 1695 mm की विड्थ मिल जाती है, लेंथ 3995 mm की लेंथ है, हाइट 1501 mm की है, व्हील बेस 2470 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, ABS और क्रैश सेंसर जैसे और भी फीचर्स इसमें मिल जाते हैं आपको। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो आपको टायर प्रोफाइल जो मिल जाती है वो मिलती है 175/65 R15। 15 इंच का ये अलॉय व्हील है जो कि डुअल टोन में आप देख पा रहे हैं होंडा का लोगो। और ये फोर लग नट्स का ऑप्शन आपको मिलता है। फेंडर लाइट आपको इंडिकेटर इंटीग्रेटेड नहीं मिलेगा। क्रीजेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो ORVM है उस पर आपको LED में इंडिकेटर आपको मिलेगा। साइड में बात करें तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं डोर पे। क्रोम एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर भी क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं, ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, पीछे बैक विंडशील्ड पे रियर डिफ्रॉगर मिल जाता है। और यह है VX की बैजिंग और iVTEC की बैजिंग। LED टेल लैंप्स आपको देखने को मिल जाती हैं और इसमें हेलोजन इंडिकेटर और हेलोजन डिफ्रॉगर या बैक लाइट, आप जो रिवर्स लाइट होती है वो देख सकते हैं। होंडा का लोगो हो गया। नीचे कुछ क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, फोर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं रियर बम्पर पर, देख सकते हैं आप। अमेज़ की बैजिंग। और इसका मैं आपको फ्यूल टैंक खोल के दिखाता हूँ। यहाँ से फ्यूल टैंक खुलेगा और जो आपको फ्यूल टैंक मिलता है वो 35 लीटर का मिलता है इसमें, और जो रेंज करेगा अराउंड 650 किलोमीटर्स वन फुल टैंक में। और अगर इसकी बात करें बूट स्पेस की बात करें तो नीचे आप देख पा रहे हैं, पहले तो इसमें रिवर्स कैमरा मिल जाता है और ये रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है बूट स्पेस के लिए। ये 420 लीटर की बूट स्पेस आपको मिल जाती है, जिसमें यहाँ पर आपको लाइट मिल जाएगी, बूट लाइट मिल जाएगी और कुछ एक्सपोज आपको मेटल मिल जाएगा। और अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो थोड़ा सा इसमें जो स्पेयर व्हील मिलता है वो 175/70 R14, मतलब एक इंच छोटा आपको इसमें मिल जाता है रिम। इसको बंद कर देते हैं तो ये बंद हो गया। बैक साइड डोर खोल के देखा जाए तो इसको सामान को रखते हैं अंदर और इसको बंद करते हैं पहले तो। तो आपको डोर पे ऐसा सॉर्ट ऑफ मतलब हार्ड प्लास्टिक है, आपको विंडो
कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे, ये मतलब सैटन ग्रे कलर में आपको डोर ओपनर मिल जाएगा, डोर अनलॉक लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, ग्लास पैनल आप देख सकते हैं ठीक ठाक है, क्रैब हैंडल है यहाँ पे देख सकते हैं। और जो नी रूम है, मेरी हाइट है 5'11" और नी रूम एकदम एडिक्वेट है। और अगर हेडरूम की बात करी जाए तो मेरी 5'11 के हिसाब से हेडरूम जो है वो काफ़ी मतलब ठीक नहीं है, आप देख सकते हैं इतना सा है, तो मतलब 6 और 6 के ऊपर जो जितनी भी हाइट होंगी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हेडरेस्ट की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से ये सीट कवर बाहर से लगे हुए हैं, तो इसमें आपको हेडरेस्ट जो है वो इतना जल्दी मालूम नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें आपको हैंडरेस्ट तो है लेकिन ये सीट कवर की वजह से बंद हो चुका है, और आपको सीट बेल्ट माउंट्स देखने को मिल जाएंगे, ग्रैब हैंडल इधर साइड देखने को मिल जाएगा, रीडिंग लाइट आप देख सकते हैं ये हैलोजन में ही है, और नीचे पावर आउटलेट देखा जाए तो 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा आपको, यहाँ पर कुछ बॉटल होल्डर मिल जाता है। तो ये जो सीट कवर्स हैं वो बाहर से इंस्टॉल्ड हैं ओनर की तरफ से। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे क्या ऑफर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड में मिल जाएंगे देखने को, और यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वन टच ऑटो है ये, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, विंडो लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, ये ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं लेफ्ट और राइट के कंट्रोल, सैटन ग्रे में आपको डोर ओपनर मिल जाता है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, ये इंसर्ट मिल जाएगी सैटन ग्रे में ही, इसमें कहीं भी इसको पहले बंद कर लेते हैं तो ये बंद हो गया, अब भी आवाज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर की जगह मिल जाती है आप देख सकते हैं, बेज इंटीरियर है, ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन है, और इसको कर लेते हैं बंद। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो बहुत सारी कार्स में नहीं मिलता है देखने को, और मैं सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ ये। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल ही गया था, तो इसमें सीट रिक्लाइनर और हाइट एडजस्ट के दोनों के फंक्शन है इस सीट में ड्राइवर साइड के लिए। और इस साइड में देखें तो हेडलाइट लेवलर है, और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है जो कि देखिए इल्यूमिनेट कर रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये AC वेंट काफ़ी प्यारा लग रहा है, सैटिन ग्रे में इसकी इंसर्ट दी गई है, और ये क्रोम में है। यहाँ पर डिफॉगर मिल जाएगा आपको जो फ्रंट विंडशील्ड के लिए होता है, साइड पैनल के लिए होता है, और ये ORVM आप देख सकते हैं। और इसको अब कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो पहले इसको कर लेते हैं ऑन, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है और कीलेस एंट्री के साथ, तो इसको कर लिया है ऑन, और AC कर लेते हैं ऑन ठीक है, और डोर कर लेते हैं कम। तो ये ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाता है जिसमें टॉप स्पीड 180 दिखा रहा है, और छोटी सी MID डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको ट्रिप मीटर दिख जाएगा पार्किंग पे, मतलब जैसे अभी ये पार्किंग पे है गाड़ी तो फ्यूल गेज दिख जाएगा, और आपको मतलब जो एवरेज मीटर है वो दिख जाएगा, और भी बहुत सारे आपको जैसे सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक के फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, ये ट्रिप मीटर को एडजस्ट करने का बटन मिल यहाँ पर स्विच मिल जाएगा, या टॉगल जो भी आप कह सकते हैं। अगर साइड से बात करें तो ये हेडलैम्प्स के ऑप्शंस आपको देखने को मिल पा रहे हैं, जो फॉग लैम्प्स और हेडलैम्प्स के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर आपको जो है वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऑटोमेटिक CVT है 1.2, तो आपको पैडल शिफ्टर भी देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ की तरफ कोई भी आपको कंट्रोल्स नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है वो नहीं है यहाँ पे। होंडा का लोगो, SRS की बैजिंग एयरबैग की, और यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, मतलब जैसे प्लस माइनस नेक्स्ट और प्रीवियस और कॉल कट करने का ऑप्शन, वॉइस कमांड का ऑप्शन, ये सब मिल जाएगा। और बीच में बात करें तो आपको ये AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विंडशील्ड के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डिफॉगर्स के ब्लोअर कम ज़्यादा का ऑप्शन मिल जाएगा, वार्म और कम करने हीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और इसको ऑन करते हैं, ये 7 इंच की स्क्रीन है देख सकते हैं आप, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसमें आपको फीचर दिया जाता है, और वॉइस कमांड जैसे सारे फीचर्स, प्लस माइनस का ऑप्शन मिल जाएगा, हजार्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, AC वेंट मिल जाएगा आप देख सकते हैं, AC वेंट में सैटिन ग्रे फिनिश जो है, ऑटोमेटिक आपको इसमें IRVM नहीं मिलता है, और ये हैलोजन लाइट्स हो गई आप देख सकते हैं। और सनवाइज़र की बात करें तो इसमें वैनिटी मिरर आपको देखने को नहीं मिलेगा,
इस वाले में वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इस साइड में गेट पर बात करें तो सैटिन ग्रे वही सेम जो डोर पे आपको मिल जाएगी देखने को, ये विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। और 1 लीटर की बॉटल आप आराम से रख सकते हैं, कुछ जगह मिल जाएगी सामान रखने के लिए। और ये कुछ ऐसा ग्लोव बॉक्स है, डिसेंट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं सैटिन ग्रे कलर में इंसर्ट्स देखने को, फिनिश देखने को मिल जाती है। एयरबैग का ऑप्शन ये देख रहे हैं आप, एयरबैग लिखा हुआ है। तो आजकल एयरबैग हर जगह हर कार में मैंडेटरी हो गए हैं, और जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो स्टैंडर्ड होंगे वो 6 होंगे, मतलब लो वेरिएंट से ही। तो आपका इसमें क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। अगर बीच में बात करी जाए तो यहाँ पर पावर आउटलेट में 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, 1.5 एम्पियर का आपको USB मिल जाता है, और एक 1 एम्पियर का मिल जाता है। यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाएगी, और ये है आपका CVT गेयरबॉक्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लीवर है, तो इसको हम ड्राइव में लगाएंगे। और ये मैनुअल हैंड ब्रेक है, और अगर मैं ब्रेक मारूंगा और तो इसको पार्किंग पे लगा देते हैं। और इसको यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया, बॉटल होल्डर मिल जाता है। तो ये है पूरा इंटीरियर, और ऐसा कुछ आपको दिखेगा होंडा अमेज का स्टीयरिंग व्हील। की में आपको लॉक अनलॉक और बूट रिलीज का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐसी कुछ की मिल जाती है आपको। नेक्स्ट सेगमेंट में ये ह्यूंडई ऑरा मारुति सुजुकी डिज़ायर और टाटा टिगोर को राइवल करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।